तसिया में ग्राम डिप्टी कलेक्टर द्वारा की गई गर्भवती महिलाओं की गोद भराई। सौंख जनपद में चलाए जा रहे हैं राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत डॉक्टर अभिनव मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेश अनुसार मंगलवार को ग्राम पंचायत सौंख देहात के गांव गोद लिए सेंटर तसिया डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी की अध्यक्षता में सुपरवाइजर रामबाई पाल की उपस्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं उनके साथ आई हुई महिलाओं को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी दी। सुपरवाइजर रामबाई पाल ने गर्भवती महिलाओं के खाने में हरी सब्जी, गुड़, चना, नींबू आदि शामिल जरूर करें तथा स्वास्थ्य विभाग से दी गई आयरन, फोलिक एसिड एवं कैल्शियम की गोलियां का सेवन करें। खाद्य समूह की प्रदर्शनी लगाई गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नारे लगाए, हमने मन में ठाना है कुपोषण दूर कराना है, 100 रोगों की एक दवाई घर में रखो, साफ सफाई। इस मौके पर सुपरवाइजर रामबाई पाल, प्रधानाध्यापक राजेश कुमार, शिक्षक बिजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, रजनी रानी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री रेणु चौधरी, रामवती कृष्णा, रजनी एवं अन्य महिलाएं, किशोरी बालिका एवं बच्चे उपस्थित रहे। आपका नाम क्या मैडम? मेरा नाम नीतू रानी है, मैं यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर हूँ मथुरा में। आज ये हमको जो तरसिया गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है, ये हमको गोद मिला हुआ है। तो आज पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत गोद भराई की रस्म थी, तो उसमें आज हम यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए आए। कितनी महिलाओं की गोद भराई की गई है? दो महिलाओं की गई है, हमारे साथ बैठी हुई भी है, आप उनको भी ले सकते हैं।